Good morning, dear student. So in our previous class, we have learned about binary number system and decimal number system. Means हम लोगों ने binary number system की characteristics पढ़े हैं and decimal number system के characteristics को पढ़े हैं previous class में, right? Now today we are going to learn about octal number system and hexadecimal number system's characteristics. आज हम octal number system and hexadecimal number system के characteristics को जानेंगे. Okay, so let's start. Octal number system characteristic, a positional number system means octal number system क्या होता है? It is a positional number system as binary number system and as decimal number system. जैसे कि आपका binary number system एक positional number system है, same वैसे ही आपका decimal number system भी positional number system था and octal number system is also a positional number system. Has a total of 8 symbols or digit. Means octal number system में 8 symbols होते हैं या फिर digits. Here you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hence its base is 8. जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और इसके डिजिट 8 होते हैं. हियर यू कैन सी 0 से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली कि 0 को जब हम ऐड करेंगे 1 to 7 में तो ये टोटल 8 हो जाएगा. तो जब हमारा 8 डिजिट हो गया तो इसका बेस क्या हो गया? 8. नंबर 3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज 7. इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है सिंगल डिजिट का क्या है? 7. जो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है जो सबसे बड़ा वैल्यू है. ओके, हियर यू कैन सी कि 0 से लेकर 7 तक का ही दिया हुआ है. सॉरी, ओके, हियर यू कैन सी कि 0 से 7 तक का ही आपका ऑप्शन है. तो हमें क्या करना है, इसमें जो हाईएस्ट होता है वो मैक्सिमम सिंगल डिजिट वैल्यू कहलाता है. नंबर 4, ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 8. जितने भी पोजीशन होते हैं ओके डिजिट के, वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ द बेस 8. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. आप एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हो. लाइक 273 बेस 8. ओके, सो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में बताया कि वंस प्लेस से आप देख सकते हो, जैसे 372. ओके, वंस टेंस 100 प्लेस से ऐसे देख सकते हैं. 3 पर 3 इंटू 8, हियर यू कैन सी 3 इंटू 8, इसका पावर कितना है? 0. ओके, फिर इधर 7 इंटू 8, इसका पावर 1. मीन्स 0 से 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके आपका ऊपर पावर बढ़ता जाता है. एंड बेस इसके 8 हैं. हियर आप देख सकते हो कि सबके बेस क्या हैं? 8 हैं. नाउ जब हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो नीचे हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं. जब ऐड कर लेंगे उसका पूरा हो जाएगा 187. ओके, हियर यू कैन सी 187. नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे अब. दिस इज़ ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. ये भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है. नंबर 2, हैज़ अ टोटल ऑफ 16 सिम्बल्स और डिजिट्स. मीन्स इसके टोटल 16 सिम्बल्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं. यू कैन सी 0 से लेकर 9 तक का दिया है, फिर ए बी सी डी ई एफ सिम्बल दिया है. हैंस इट्स बेस इज 16. तो इसका टोटल बेस क्या हो जाएगा? 16. 0 से 9 तक का आपका 10 हो गया एंड उसके बाद आपका ए बी सी डी ई एफ को टोटल काउंट करने पर 16 बेस इसका आ जाएगा. ओके, नंबर 3, सिम्बल्स ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंट द डेसिमल वैल्यूज़ 10, 11, 12, 13, 14, 15 रिस्पेक्टिवली. मीन्स जैसे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर 0 से 9 तक का डिजिट है, देन ए बी सी डी ई एफ है, तो इसकी क्या डेसिमल वैल्यू होगी यहाँ पर वो शो कर रहा है.
आपका 9 तक हो जाता है, 9 मीन्स आपका 10 डिजिट हो गया 0 to 9। अब हमारा 11 चाहिए, तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, मीन्स ए के लिए 10 हो गया, फिर बी के लिए 11 एंड सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 एंड एफ के लिए 15। ओके, जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, 10, मीन्स उसका सिंबल ए है एंड इसकी वैल्यू है 10। नाउ नंबर 4, हियर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट इज़ 15। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है सिंगल डिजिट की, 15, सबसे हाईएस्ट क्या जा रहा है आपका 15 पे। नाउ ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 16। हियर आप देख सकते हो कि जितने भी डिजिट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बेस 16। ओके, नाउ लेट्स सी विद द एग्जांपल, एग्जांपल से आप समझोगे। हियर 1AF16, ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस एफ इंटू 16 पावर 0। इसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे हमें 256 प्लस 160 प्लस 15 मिल जाएगा। ओके, हियर इज़ द आंसर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।